संडे का दिन है, हैप्पी संडे टू एवरीवन, संडे का दिन। तो यहाँ पे शिव जी मेरे साथ हैं और क्या कहते हैं, अभी शायद आज मैं चली जाऊँ, अभी शायद पता नहीं है, या शायद एक दो दिन बाद जाऊँ, अभी कुछ भी पता नहीं है, जैसा भी होगा आपको मैं बता दूँगी। तो अभी तो फिलहाल बाहर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, भूख लगी है हम लोगों को, तो अभी तो रास्ते में है, ऑन द वे है, तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। हाय हाय तो आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि कहते हैं 11:30 बजे है, तो ऑब्वियसली आप सबने ब्रेकफास्ट कर दिया होगा। आई होप आपका संडे बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से गुजरे, तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं जॉनी मूवीज की दुकान पे, और शीन हम दोनों अभी शीन के लिए वेज किया है ऑर्डर, और मैंने नॉन वेज, तो बस अभी वेट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उसको कहा था मैं नान खा ले, वो खा ले, कहती नहीं अब हम उधर जा रहे हैं उस साइड, तो मोमोज खा लेते हैं। बोला चल ठीक है मोमोज खा लेते हैं, तो मोमोज के लिए मैं ले लूँ उसको यहाँ पे। मैडम जी भी मेरी तरह मोमोज की शौकीन है, तभी हम दोनों मोमोज ऐसे ही दिखते हैं। तो चलिए वेट करती हूँ, ठंड बहुत है, मैंने जैकेट चुपेट डाल ली है अपनी, ठंड हो चुकी है, और मैं भी डीट हूँ, रो के बाद में फिर अपनी शक्ल वैसे ही लेकर चल पड़ी। मैंने बस मुँह धोया, ब्रश किया और कपड़े चेंज किए और वो हो गया। मेरे बाल ना हाईलाइट करवाने वाले फिर से हो गए थे, यहाँ तक पहुँच गया ना हाईलाइट, तो यहाँ से ये नई ग्रोथ आई है सारी, सब उस ऑयल की बदौलत है जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं अपने जब गुड़गांव जाऊँगी तो अपने बाल फिर से, मैंने चेरी रेड किया था कलर, तो गार्लिक का चेरी रेड, तो वो भी फिर से ही करूँगी, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा लोगों ने पसंद किया था वो वाला कलर, तो वही वाला कलर फिर से लगाऊँगी। तो एक बार चलते हैं गुड़गांव अपने घर में लगाएंगे कलर। तो ये स्टार्ट है हमारा यहाँ पे परेड मार्केट, जो हमारे जम्मू का फेमस, वन ऑफ द फेवरेट फेमस मार्केट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब टोटली ये क्लोथ्स मार्केट है, कॉस्मेटिक मार्केट आपको आगे भी देखने को मिल जाएगी, ईटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, होलसेल क्लोथ्स वाले मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे सब्ज़ी मंडी भी है जो स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए 150 के ट्राउज़र्स हैं, तो ये 150 का सेट है। यहाँ पे भी ट्राउज़र देखिए 150 के, ये अच्छा है ना, ये वाले भी अच्छे हैं। यहाँ पे मास्क काफ़ी ज़्यादा, कितने के भैया, 10 रुपये का एक। यहाँ पे ये शोपीस का है, होम डेकोर का पूरा सामान है यहाँ पे, देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर है बोनसाई, और यहाँ पे भी छोटे छोटे, ये आपको दिखेंगे छोटे छोटे फ्लावर पार्ट्स वगैरह। कुछ ना भैया को कितने हैं, कितने का आप, कितने का भैया ये, 150 के 4, 150 के 4। इसमें वो फ्रूट्स वाला नहीं है, फ्रूट्स वाला भी आता ना, नहीं फ्रूट्स वाला, ये 150 के 4 है, 150 का 4। नहीं मुझे वो फ्रूट्स वाला चाहिए था जिसमें वो चेरी वगैरह लगे होते हैं ना पेड़ पे, वो वाला चाहिए था। ये ऑर्बीज हैं यहाँ पे, तो आज पहली बार आपको जम्मू की मार्केट दिखा रही हूँ। ये देखिए सूट वगैरह अनस्टिच्ड है ये, इधर अभी आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दिखेगी, अंदर मार्केट में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे ये सूट्स है, ये फिर से डेकोर का आ गया, फ्लावर्स वगैरह, ये बैग्स वगैरह है कुछ नॉर्मल, ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से ही है। तो ये अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे मेन परेड मार्केट। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा शोर भी होगा। तो यहाँ स्टार्ट हो जाती है मार्केट, यहाँ पे तो जाने से भी डर ही लग रहा है क्योंकि क्राउड आप देख सकते हैं, जस्ट सी द क्राउड। तभी तो कोरोना बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंगल्स वगैरह कॉस्मेटिक्स की शॉप है, ये वूलन होजरी। तो अभी मैंने बीच में रोक दी थी क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है कि यहाँ पे कैप्चर करना, एक तो
या तो रोड ब्रॉड हो और यहाँ पे क्राउड भी उतना ही ज़्यादा है और रोड भी बिल्कुल नैरो है। क्योंकि साइड से मैं आपको दिखाती जा रही हूँ मार्केट सिटी स्टाइल शूज सैंडल्स वगैरह। ये चाची की हट्टी है जो कि बहुत पुरानी है, यहाँ से हमने बचपन में भी अपने फुटवेयर वगैरह परचेज किए हैं। वेरी वेरी ओल्ड शॉप आई मस्ट से। दिस इज़ मधुबन मॉल, टोटली फॉर ग्रोसरी जो मतलब ग्रोसरी नहीं, क्रॉकरी एंड ऑल दैट, वो सारा स्टफ आपको मिलेगा। ये आपको इमिटेशन ज्वेलरी का एक स्टॉल है यहाँ पे, तो लेडीज यू कैन सी देयर परचेजिंग। ये भी इमिटेशन ज्वेलरी का ही स्टॉल है। एक मिनट भैया, क्या प्राइस है इसका, क्या प्राइस है इस वाले का भैया? नहीं, यही कलर पूछ रही हूँ। 350 350 बोल रहे थे ये उसका, जिसका शायद मैं 150 से ज़्यादा नहीं देती, काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे। ये एक और इमिटेशन का स्टॉल है। देन ये पर्सेस बैग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, सनग्लासेस, वॉचेस, अगेन वॉचेस। यहाँ पे मेन क्लोथिंग मार्केट जो है वो स्टार्ट हो गया है, बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू कैप्चर क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है और रोड बहुत नैरो है। ये मशहूर पकोड़े वाले हैं इधर परेड में ही, जो कि बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पे पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा एंड एवरीथिंग, गुलगुले वगैरह जो हमारे यहाँ पे जम्मू के बहुत फेमस हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं और लोग काफ़ी खुश होकर यहाँ पे खाते हैं। एंड बहुत पुरानी दुकान है। गुड इवनिंग गाइस, मैं घर आ गई हूँ और यार मुझे वो वीडियो, मार्केट वीडियो बीच में रोकना पड़ा। रीज़न, वहाँ पे एक बच्चा घूम गया था मार्केट में और शीन की नज़र पड़ी, वो रोता रोता जा रहा था। मैं उस टाइम व्लॉग बना रही थी मार्केट का, बट हमारी शीन की नज़र पड़ी एक्चुअली उस पर और हम रुक गए। हमने उस बच्चे को पूछा कि मम्मा कहाँ हैं, और बाई चांस उसकी माँ भी ढूंढती हुई आ गई और अल्टीमेटली उस बच्चे को उसकी मदर मिल गई। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि बच्चे से ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि उस माँ की उस टाइम क्या हालत हुई होगी और वो बच्चा कैसा फील कर रहा होगा कि मेरी माँ कहाँ चली गई। और दैट वॉज सो अपसेटिंग, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस बच्चे का रूम में रोते हुए उस बच्चे को देखा, शीन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। पता नहीं शीन को क्या हुआ, शी वॉज सो अपसेट और शीन ही भागी उस बच्चे के पीछे। मैंने रोते हुए बच्चे को सुना, बट मुझे लगा कि ये शायद होता ना, बच्चा ज़िद करता है कि कुछ दिला दो ये वो, मुझे लगा कुछ ऐसा है, बट ऐसा नहीं था। वो बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया था और मम्मा मम्मा करता रोते हुए चल रहा था। तो शीन की नज़र पड़ी, वो पीछे पीछे भागी, उसके पीछे मैं भागी। तो मैंने उस टाइम कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लॉग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस बच्चे को उसकी मदर से मिलवाना। तो मैं ऑल दो उसको कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा उस टाइम पूरा ध्यान बच्चे पे था, ना कि कैप्चर करने में कि मैं उसको कैप्चर कर लूँ, अपने ब्लॉग को सेंसेशनल बना लूँ। बट मैंने फिर उस अल्टीमेटली माता रानी की दया से उसका मदर भी आ गई और वो मिल गए, मैं बहुत खुश हुई। पीछे से जो आपको आवाज़ आ रही है वो जागरण चल रहा है हमारे घर के पास, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा क्लासमेट ही है, उसकी मेरा क्लासमेट रहा है, उसकी शादी है आज, उसका सत्संग है एक्चुअली आज, तो वो सत्संग चल रहा है। बहुत प्यारे प्यारे भजन, अगर आप सुन पा रहे हो, बावे वाली माता, बावे वाली मैया मेरी रक्षा करो। ये जो सिंगर गा रहे हैं इन्होंने स्पेशली कोरोना की वजह से ये गाना बनाया था कि हे माता रानी हमारी रक्षा करो इस महामारी से, इस पूरी आई विल से पूरी दुनिया की रक्षा करो। कि बस बहुत हो गया यार, तो थोड़ा सा लोगों को भी समझना चाहिए यार, लोगों को भी। मैं आज और आपको सेकंड रीज़न बताती हूँ। एक तो वो बच्चे वाला रीज़न हुआ ही था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी वो रीज़न हुआ था, बट सेकंड रीज़न क्या हुआ कि जब मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा अपसेट भी हो गई उस टाइम, और मैंने जब आगे थोड़ा सा मैं बढ़ी, वहाँ पे जब मैंने क्राउड देखा यार, वो बहुत नैरो सड़क है। आई विल से कि वो शायद सिक्स फीट भी नहीं है ब्रेड्थ में यार रोड, और इतना क्राउड था क्योंकि बहुत सारी मैरिजेस चल रही है। बिग रीज़न वॉज कि मैरिजेस चल रही है।
एंड मुझे मतलब बिकॉज मेरे साथ शीन भी थी अपने के लिए, ऑब्वियसली मेरे को अपने लिए भी प्रिकॉशन लेना है, तो शीन तो बच्चा है तो उसके लिए तो और ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। तो मैंने जब वो इतना ज़्यादा क्राउड देखा, आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हो कि यार 6 फीट ब्रेथ में है सिर्फ, वहाँ पे यू हैव टू कैप्चर, और कैप्चर की भी बात नहीं है यार, मैं किसी तरह कैप्चर कर भी लेती, बट दैट वॉज मुझे वो लाइफ थ्रेटनिंग लगा यार, इतनी ज़्यादा रश एंड पीपल वर रोमिंग लाइक फूल्स एंड विदाउट मास्क। यार विदाउट मास्क चलना, मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो ही नहीं सकती। इवन यू आर फुली वैक्सीनेटेड, नाउ आई एम फुली वैक्सीनेटेड, बट मैं यार वी हम लोग मास्क डालते ही डालते हैं बाहर, हम सैनिटाइजर यूज़ करते ही करते हैं बाहर जब जाना है, तो वट काइंड ऑफ फुलिशनेस इज दिस दैट यू आर नॉट टेकिंग योर मास्क, यू आर नॉट वेयरिंग मास्क, यू आर नॉट टेकिंग योर सैनिटाइजर्स। ऐसे वो कहते हैं कि खुले बैलों और भैंसों को छोड़ दिया है उसमें, वो क्या कहते हैं मैदान में छोड़ देते हैं, वो किस तरह भाग रही होती है इधर से उधर, वो ही वहाँ पे मार्केट में लोगों का हाल था। यार ठीक है आपकी मजबूरी है, मैरिजेज हैं घर में, सब कुछ आई अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली आपको निकलना पड़ेगा बाहर, लेकिन अगर आप बाहर अगर निकल रहे हो, आप ये तो सोचो कि आप खुद तो वैसे हो लेकिन आप इंटैक्ट इन टच दूसरे लोगों के साथ भी आ रहे हो, दूसरों लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हो, यार इतने बेवकूफ़ आप लोग कैसे हो सकते। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन अराउंड द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द वर्ल्ड आई विल से कि प्लीज़ अपना मास्क पहने, अपना सैनिटाइजर साथ ले जाएं, अपने आप को बचाने की कोशिश करें इन चीज़ों से। आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, लेकिन उसके बाद अगर आप मास्क नहीं डालते हो, आप सैनिटाइजर नहीं यूज़ करते हो, सैनिटाइजर भी मैं बोलती हूँ भाड़ में डालो यार, मास्क तो पहनो कम से कम, अपने लिए पहनो, आपकी फैमिलीज में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और लोग हैं यार, आप उनको डेंजर में डाल रहे हो, आप उनको रिस्क पर डाल रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अपना मास्क, अपना अच्छे से सैनिटाइजर साथ ले जाया करो, अगर आप सर्जिकल मास्क पहन रहे हो तो डबल मास्क डालो, और अगर आप क्लॉथ मास्क डाल रहे हो 6 लेयर मास्क डालो, या आप N95 डालो, या आप अगर सिंपल क्लॉथ और सर्जिकल डाल रहे हो तो सर्जिकल अंदर से डालिए, ऊपर से क्लॉथ वाला डालिए, अपने आप को सेफ रखो यार, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अभी आप देखें, अब मैं जम्मू की अगर बात करूँ, क्योंकि अभी आई एम नॉट इन टच विद दिल्ली और गुड़गांव, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रोज केस बढ़ रहा है यार, फिर से बढ़ने लगे केसेस यार, हम लोगों को वी शुड बी शेमफुल कि कितना नीचे आ गया था नंबर हमारे केसेस का, लेकिन फिर से कितना ज़्यादा बढ़ गया, प्लीज़ मत करो। और दिस वाज द सेकंड मेजर रीज़न, पहला तो वो था कि बच्चे, वो हुआ था मैं बहुत थोड़ा अपसेट हो गई, डिस्टर्ब हो गई थी वो बच्चा जब तक अपनी माँ से नहीं मिला, और सेकंड रीज़न वाज कि मैंने वहीं से बैकआउट कर लिया, मैं बाहर निकल के जब मैंने उस मार्केट की आगे हालत देखी, क्राउड सरोजनी में भी बहुत होता है लेकिन वहाँ पे लोगों ने मास्क डाले होते हैं, वहाँ लोग मैंने ये देखती हूँ कि अगर एक बंदा कुछ ले रहा है थोड़ा सा बंदा पीछे हो भी जाता है, और मास्क प्रॉपरली डाले होते हैं वहाँ लोगों ने, बट यहाँ पे लोगों ने मास्क बिल्कुल भी नहीं डाले होते। इन जनरल भी जब मैं रास्ते में चलती हूँ या तो मैं स्कूटी में जा रही हूँ, वो जो जोर का घर बिल्कुल साथ वाला घर है एक्चुअली, तो वहाँ पे यहाँ पे भी मैं देखती हूँ, यहाँ पे लोग नहीं डालते हैं मास्क, दे आर नॉट, दे डोंट बॉदर। इवन अभी शादी में देखना, इतने इतने लहंगे, वो ये फलाना ढमकाना डाला होगा, मास्क ही नहीं होगा, मास्क बोलते हैं भाड़ में जाओ, हमारा फैशन का, हमारी लिपस्टिक खराब नहीं होनी चाहिए, मास्क तो नहीं हम डालेंगे, हम भी अपना मास्क कभी कभी डाउन करते हैं, आई एम नॉट लाइंग और आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग, हम भी मास्क अपना नीचे करते हैं, पर ये नहीं है कि मास्क पहनते ही नहीं है। प्लीज़ गाइज ऐसे मत करिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू मास्क डालिए। अभी जो सत्संग चल रहा था शादी का, तो बच्चे गए हैं वहाँ सत्संग के बाद जो प्रसाद होता है वो लेने के लिए, खाने के लिए गए हैं, मम्मी पापा भी वहीं पे गए हैं, तो थोड़ा मूड ठीक है पहले से, और मैं वापस अभी नहीं जा रही हूँ, 23 को शीन का बर्थडे है तो तब तक मैं रुकूंगी, शायद 24 को जाऊँगी, 25 को, अगर तब नहीं गई तो 31 को न्यू ईयर करके 1 को शायद चली जाऊँ, अभी कोई पक्का नहीं है, शायद 24 को ही निकल जाऊँ या फिर 1 को, अभी पता नहीं है, तो जैसा भी होगा आपको बताऊंगी, मुझे लगता है कि शायद 1 को ही जाऊं, तो बस कुछ दिन है, ऑलमोस्ट आप समझो 1 महीना ही रह गया, 1 महीना 10 दिन, 40 डेज आप समझो, तो 40 डेज और अपने घर वालों के साथ रह लेती हूँ, हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, बट चलो अगर हम सॉर्ट कर लें, फैमिली होती है, सॉर्ट कर ले तो अच्छा है, पर हाँ कई बार बर्दाश्त नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, तो आते हैं शीन वगैरह आएंगे, फिर मैं उनको पूछूंगी क्या क्या था खाने में, बहुत खुश होते हैं बच्चे, बहुत खुश होते हैं जब फंक्शंस होते हैं, उनको पार्टीज़ में खाने को जाना होता है, ये वो ऑब्वियसली बच्चे हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, कुछ अब नहीं होता इतना, कुछ पहले बहुत होता था जब छोटा था, बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा मेच्योर है ऑब्वियसली,
11th में है तो मेच्योर, अभी शीन छोटी है तो शीन थोड़ी सी एक्साइटेड होती है, एक्साइटेड होना बनता भी है, हम भी होते थे छोटे होते, हम इतना नहीं होते थे पर बच्चे होते हैं। तो चलिए एक बार आती हूँ फिर आपको उनसे, उससे भी मिलवाती हूँ, पूछती हूँ उनसे क्या क्या खाया क्या क्या था। सब आ गए हैं बाहर, सब आ गए हैं शादी से, कुछ भी आ गया, शीन भी, कुछ का हेडेक हो रहा है थोड़ा सा तो कुछ अभी रेस्ट करेगा। तो शीन भी आ गई है, शीन बताएगी क्या क्या था। शीन मेरे लिए भी लाई थी दही बल्ला, और मम्मा ने भेजा था दही बल्ला मेरे लिए, शीन ये बटर स्कॉच पापा लाए थे मेरे लिए, और खाने में नान, राजमा, पनीर और गोभी की सब्जी लाई थी, बहुत टेस्टी खाना था, है ना शीन? और क्या क्या था वहाँ पे? और थी टिक्की थी वहाँ, और गोलगप्पे थे, गुलाब जामुन था, और यही दही बल्ले थे, और जो सब्जियाँ हूँ। तुझे सबसे ज्यादा टेस्टी क्या लगा? मुझे पनीर अच्छा लगा। पनीर अच्छा लगा? और राजमा तो ऑल टाइम फेवरेट होती है। और गोलगप्पे भी बड़े टेस्टी थे उसके। हाँ, कुछ बड़ी तारीफ कर रहा है, कुछ नहीं, कुछ तो कह रहा है, सारा कुछ टेस्टी था, मेरे को सारा अच्छा लगा, वहाँ पर सबसे अच्छा लगा गोलगप्पे, बड़े अच्छे थे उसके। टिक्की थोड़ी थी ऐसी ठीक ठाक किसी, बाकी सब अच्छा था। बाकी सब अच्छा था, चलो बढ़िया हो गया। टिक्की मैंने एंड वाली खाई ना, एंड में टिक्की में मीठी चटनी डाल रहा था, मैंने बनाई थी ना मीठी चटनी, उसको मीठी चटनी डाल दी, पर वो एंड में तेज तेजी में बना रहा था क्योंकि बहुत लोग जमा हो गए थे, और बनी हुई थी एक भी, तो तभी उससे हो गया होगा पहले बाद में एंड में। चलो अच्छा हो गया, अच्छे से जगराता भी अच्छे से हो गया, सत्संग भी अच्छे से, और वो भी हो गया अच्छे से, खाना भी। तो आज का दिन तो हो गया सफल, और सब आके, हाँ एक सेकंड कुछ को पानी लिफ्ट, तो और बच्चे भी आ गए हैं, देखना जान जान के मुझे तंग करा, कह रहा मम्मा पाउडर, मम्मा वो पानी, कह रहा मम्मा लोशन भी देना, मैं दूंगी मुक्का। तो चलिए इसी के साथ अब खाना पीना भी हो गया सबका, सब सोने लगे हैं जल्दी, अभी लेटे हैं, अभी सो नहीं रहे हैं, थोड़ा लेटे ही अभी बातें वगैरह करेंगे, और संडे नाइट है क्योंकि, तो कल से फिर से काम पे लगना है सबको, सबके क्लासेस हैं, सबकी ट्यूशंस हैं। तो कुछ कह रहे हैं मेरी छुट्टी, क्योंकि कुछ को मंडे ऑफ होता है VMC में, जहाँ पे ऑफलाइन क्लास होती है, इसकी कोचिंग होती है, वहाँ छुट्टी है, बट स्टडीज तो करनी है अपनी। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे सेफ। कुछ इज सेइंग स्टे सेफ, यस, और मास्क पहनो, कुछ कह रहे हैं कुछ सैनिटाइजर लगाते रहो। चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।